बिग बी ने धाकड़ का ट्रेलर किया डिलीट तो भड़की कंगना, बोली उन्हें बायकॉट का डर है। 10 हफ्ते तक लॉकअप को होस्ट करने के बाद कंगना रनौत अब एजेंट अग्नि के रूप में अपने अगले मिशन पर हैं। एक्ट्रेस 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म धाकड़ का प्रमोशन कर रही हैं। आपको बता दें, इस फिल्म में कंगना रनौत के अलावा अर्जुन रामपाल, शाश्वत चैटर्जी और दिव्या दत्ता भी लीड रोल्स में हैं। हाल ही में महानायक अमिताभ बच्चन ने कंगना रनौत की फिल्म के पहले गाने का टीजर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसका टाइटल था शी इज ऑन फायर। क्लिप को शेयर करते हुए बच्चन ने उनकी टीम को शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन अब बात ये है कि एक्टर ने कुछ देर बाद ही इंस्टा स्टोरी से टीजर को डिलीट कर दिया। अब कंगना रनौत ने इस किस्से पर खुलकर बात की है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि दूसरे बॉलीवुड सितारों द्वारा धाकड़ के ट्रेलर की प्रशंसा क्यों नहीं की गई, तब कंगना ने कहा कि कुछ लोगों की पर्सनल इनसिक्योरिटीज हैं, तो कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि मेरी फिल्म या मेरी तारीफ करने की वजह से इंडस्ट्री उन्हें बायकॉट कर देगी। एक्टर ने कहा कि बेशक लोगों की पसंद और नापसंद होती है, लेकिन ये इतना हड़ताली है कि बच्चन साहब ने ट्रेलर को ट्वीट किया और फिर उन्होंने 10-5 मिनट में हटा दिया। उनके जैसे सुपरस्टार पर किसका दबाव होगा, मुझे नहीं पता। ये स्थिति थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है और कंगना थोड़ी प्रॉमिसिंग भी लग रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कंगना की ये फिल्म जब रिलीज हो तो फैंस को उनकी ये फिल्म पसंद भी आए।